नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो है एक्सिस सिक्योरिटीज या एक्सिस डायरेक्ट में जो है आप स्टॉक बाय सेल कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले क्या करें, अपना जो एक्सिस सिक्योरिटीज का आपका ऐप है वो लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपका दिखाई देगा। आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखें थ्री बार दिख रहा है, आपको इस थ्री बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉचलिस्ट दिख रहा होगा, इस वॉचलिस्ट पे क्लिक करना है। मार्केट के नीचे आप मार्केट पे यहाँ पे प्लस होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉचलिस्ट दिखेगा, इस वॉचलिस्ट पे क्लिक करना है आपको। वॉचलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 वॉचलिस्ट है, आप कोई सा वॉचलिस्ट चूज कर लें जिसमें आपको स्टॉक ऐड करना है पहले। तो आप यहाँ पे मैं वॉचलिस्ट 2 चूज करता हूँ, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक ऐड कर रखे हैं। अगर आपको स्टॉक ऐड करने हैं तो कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको पेंसिल दिख रहा होगा, इस पेंसिल पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखें ऐड न्यू स्टॉक दिखा रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपको स्टॉक्स ऐड करना है तो यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक करेंगे, अगर आपको F&O स्टॉक्स ऐड करना है तो यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे। तो मुझे इक्विटी स्टॉक ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे एक्सचेंज आप सेलेक्ट कर लें, NSE और BSE। तो मैं यहाँ NSE BSE, दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप किसी पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं NSE चूज कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एंटर सर्च सिंबल, यहाँ पे सिंबल में आप अपना कोई स्टॉक का नाम लिखेंगे। मान लो मैं लिख रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इसको सिलेक्ट कर लें आप। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखें ऐड टू वॉच लिस्ट आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखें सिक्योरिटीज एडेड सक्सेसफुली, आपका सिक्योरिटीज जो वो ऐड हो गया है, ओके पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए आपका SBI जो है ऐड हो गया है। अब क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका SBI ऐड हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको सारा का स्टॉक का आपको मूवमेंट दिखाई देगा कि आज जो है स्टॉक कितना ऊपर है कितना नीचे है। अब यहाँ पे आप एक बार थोड़ा बैक चले आएं, फिर से थ्री पॉइंट पे क्लिक करें। इसके बाद आप फंड्स पे चले जाएं, लिमिट पे क्लिक करें। यहाँ पे लिमिट पे प्लस का साइन दिख रहा होगा ना, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे फंड लिमिट देख लें आप। देखें यहाँ पे मेरा जो टोटल लिमिट था आज का वो 1380 था। मैंने 5 क्वांटिटी जो है ITC का बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे 846 जो मेरा मार्जिन है वो यूज हुआ है। और मेरा अवेलेबल लिमिट है जो 534 रुपीज है, मतलब 534 रुपीज का मैं कोई दूसरा स्टॉक बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लेंगे आपका क्या एसेट है नहीं है। अगर आपको फंड ऐड करना है तो इस पे क्लिक करें थ्री पॉइंट पे, और यहाँ पे देखें अपना फंड होल्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। और जो भी आपको फंड होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हैं फंड को। तो ऐसे करके आप फंड होल्ड कर लें, उसके बाद फिर से आपको ट्रेड करने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना होगा। अब फिर से चले जाएं यहाँ पे थ्री पॉइंट पे, मार्केट प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉचलिस्ट दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वॉचलिस्ट 2 में आपने स्टॉक जो ऐड कर रखा था या जिस वॉचलिस्ट में आपने सेलेक्ट कर रखा था वहां पे आपको जाना है। तो मैंने वॉचलिस्ट 2 में ऐड कर रखा है, तो मैंने वॉचलिस्ट 2 पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे 5 स्टॉक ONGC का बाय करना है, तो क्या करना होगा, आप ONGC पे क्लिक कर दें, जो भी स्टॉक है आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। फ्यूचर्स अगर आपको करना है तो फ्यूचर्स भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मार्केट डेप्थ देखना है, मार्केट डेप्थ पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे देखें ऑफर प्राइस मतलब सेलर का प्राइस और बिड प्राइस मतलब बायर का प्राइस। तो देखें सेलर का प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, और बिड का प्राइस या क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप देख लेंगे कोई भी स्टॉक बाय सेल करने से पहले, अगर सेलर प्राइस और बायर प्राइस में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो स्टॉक अच्छा है, अगर ज्यादा का डिफरेंस है तो स्टॉक आपका इलिक्विड है और आपको लॉस हो सकता है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं आता हूँ कोर्स पे, फिर से कोर्स पे आने के बाद यहाँ पे देखें आपको डे हाई लो दिखेगा, यहाँ पे 52 वीक हाई लो 149 और 50 है। वॉल्यूम आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ है आज का। डे हाई लो मतलब आज 68.60 पे ओपन हुआ है और 67.15 गया है लो। तो यहाँ पे आप डे हाई लो देख सकते हैं, मुझे बाई करना है तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप में जो कैश रखना है, यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, इंट्राडे आ रहे हैं, कवर ऑर्डर आ रहा है और ई मार्जिन आ रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय करना है तो कैश में ही रखना है आपको, कैश पे क्लिक कर दें। क्वांटिटी मैंने बोला हुआ था मुझे 5 क्वांटिटी बाय करना है तो मैंने 5 लिख दिया। और प्राइस अगर दोस्तों अगर आपको मार्केट पे बाय करना है, यहाँ पे देखिए ONGC का रेट चल रहा है, अगर आपको मार्केट पे बाय करना है तो यहाँ पे 0 पुट कर दें। आप 0 पुट करेंगे तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा उस पर आपका बाय हो जाएगा स्टॉक। अगर आपको कोई लिमिट प्राइस पे बाय करना है, मान लो 67 चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये 65 आएगा आज के दिन, तो 65 लगा के आप ऑर्डर छोड़ दें और आपका स्टॉक जब 65 आएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अगर 65 नहीं आता उस दिन तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको नेक्स्ट डे फिर से ऑर्डर बाय करना होगा। तो मुझे मार्केट में बाय करना है तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए चलाएगा वो 5 क्वांटिटी, मार्केट अमाउंट 0 और यहाँ पे कैश प्रोडक्ट मार्केट, मुझे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपको आना कहाँ पे है, फिर से यहाँ पे आपको थ्री पॉइंट दिख रहा होगा, इस थ्री पॉइंट पे आना है और क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेड एंड इन्वेस्ट, तो ट्रेड एंड इन्वेस्ट पे यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा आपको, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑर्डर बुक में आना है। ऑर्डर बुक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ONGC 5 क्वांटिटी जो है मार्केट में एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब मेरे 5 क्वांटिटी बाय हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ITC 5 क्वांटिटी मार्केट में बाय हो गया है और ONGC 5 क्वांटिटी मार्केट में बाय हो गया है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय कर सकते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज में। अब फिर से चले आप थ्री पॉइंट पे, जैसे ही आप थ्री पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे देखें आपको ऑर्डर बुक मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे ट्रेड बुक पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ट्रेड हुआ होगा यहाँ पे देखिए ONGC 5 क्वांटिटी है और ITC 5 क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो भी आपने ट्रेड किया होगा उस दिन के लिए आपको यहाँ पे सब ट्रेड बुक में दिख जाएगा, चाहे F&O किया हो या फिर आपने इक्विटी किया हो, कमोडिटी किया हो, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से करना है थ्री पॉइंट पे, जैसे ही मैं थ्री पॉइंट पे क्लिक करता हूँ आपको देखना है कि मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है जो मैंने आज ट्रेड लिया है। तो वहां वो कहाँ देखना है आपको, वो जाना है आपको नेट पोजीशन में जाना है। यहाँ पे आप देखें ITC का मेरा 5 क्वांटिटी बाय किया था उसमें मेरा लॉस चल रहा है 7.25 रुपीज, और मेरा ONGC का 5 क्वांटिटी बाय है उसमें मेरा लॉस चल रहा है 75 पैसे का। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, अगर आपको मान लो स्टॉक सेल करना है, मान लो आपने आज स्टॉक बाय किया और आपको आज ही स्टॉक सेल करना है, मान लो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता और मुझे सेल करना होता तो कैसे करते। तो सेल करने के लिए मैंने बता दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ देखना है, थ्री पॉइंट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे नेट पोजिशन में जाना है। नेट पोजिशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ONGC और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें सेल का ऑप्शन आ रहा है आपको, अगर प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा आपको और सेम डे सेल करना है तो सेल के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखें कैश आ गया, क्वांटिटी सेम आपको डालना है 5। अगर आपके पास 500 क्वांटिटी, आपको सिर्फ 50 क्वांटिटी सेल करना है तो यहाँ पे आप 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 ही सेल करना होगा, आप अपने मर्जी से सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिखना है, अगर आपको मार्केट में सेल करना है तो 0 लिख दे। अगर आपको प्राइस सेट करना है तो मान लो 67 चल रहा है अभी, आपको मन कर रहा है कि 70 रुपीज पे सेल करना है तो आप 70 रुपीज लगाकर छोड़ सकते हैं। और क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर दें, जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बाय सेल कर सकते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस डायरेक्ट, दोनों एक ही है उसमें। अब आपको मान लो जो आपने स्टॉक आज बाय किया है, मैं यहाँ पे गया और मैं ट्रेड बुक में गया, तो आप बोलोगे सर जो मैंने स्टॉक बाय किया ये दोनों, ये मुझे कहाँ दिखेगा होल्डिंग्स में। तो आज नहीं दोस्तों, कल आपको कहाँ देखना है, फिर से थ्री पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए होल्डिंग्स दिख रहा है, आपको होल्डिंग्स पे क्लिक करना है। कल ये आपके पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा, पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरा यहाँ पे जो होल्डिंग्स है वो IDFC बैंक का मेरा होल्डिंग है 4 क्वांटिटी का, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा होल्डिंग्स। आप म्यूचुअल फंड भी ट्रैक कर सकते हैं, ETF भी ट्रैक कर सकते हैं और डेरिवेटिव भी ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो में आपको सब कुछ दिख जाएगा। आपको जो पोर्टफोलियो से आपके डीमैट अकाउंट में जाने में T+2 डेज लगता है, मतलब आज आपने ऑर्डर बाय किया है तो कल नहीं परसों आपके डीमेट में जाएगा वर्किंग डेज में। तो आपको देखना कहाँ पे है, फिर से यहाँ ही आना है, तो यहाँ पे आपको आपके डीमेट पे बैलेंस पे क्लिक करना है, जो आपके डीमेट में होगा शेयर्स, आपके जो भी डीमेट अकाउंट है अगर आपके डीमेट में चला गया होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा IDFC फर्स्ट बैंक जो है 4 क्वांटिटी मेरे डीमेट में है इसलिए मुझे दिख रहा है, अगर वो डीमेट में नहीं है तो आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करना है और पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है तो आपको पोर्टफोलियो में जो है सारा का सारा स्टॉक दिख जाएगा। दो दिन का वेट करें, ये आपके होल्डिंग्स में चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बाय सेल करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज में। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा एक्सिस सिक्योरिटीज के बारे में, जहां पे आप कुछ सीख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।